अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फूड विला और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की चिकन मलाई बोटी, जिसको मैं तवे पे बनाऊंगी। ये बग़ैर बारबेक्यू के भी बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हमें किसी स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी वो हर घर में तकरीबन मौजूद होती हैं। जिसके लिए लिया है मैंने आधा किलो चिकन, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 2 टेबल स्पून योगर्ट, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून धनिया और पुदीने की चटनी। इसके अलावा हमें चाहिए बम्बू स्टिक्स 6 से 8 अदद, सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून फ्रेश योगर्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया और पुदीने की चटनी, 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्चें, लेमन जूस, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक और ऑयल डाल के इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से हाथ से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मसाले चिकन में अच्छी तरह से अंदर तक चले जाएं। मसाले बहुत ही सिंपल हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारी मिक्स हो चुकी है, इसको मैं क्लिंग रैप से कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और ये देखें, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इनको मैंने इस तरह से स्टिक्स पे लगा लिया और तमाम मसाला जो बच जाएगा आप चिकन के ऊपर ही लगा दें, ये ज़ाया नहीं करें। ये देखें, चिकन को मैंने तैयार कर लिया। फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसमें मैंने एक छोटा पीस चिकन का डाल के सिर्फ चेक किया है कि ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम चिकन की स्टिक्स को इसके अंदर रख दूंगी और इनको चारों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। चिकन को मैं मीडियम हीट पे फ्राई करूंगी। इस तरह से आप पलट पलट के चारों साइड से चिकन को फ्राई करें। चिकन का अपना पानी भी है और योगर्ट का पानी और इसी में ये कुक हो जाएगा। ये देखें, हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन में थोड़ा सा बारबेक्यू का टेस्ट आए या लगे कि बारबेक्यू किया हुआ है, तो आप इस तरह से एक फॉयल रखेंगे, इसके ऊपर जलता हुआ एक कोयला, इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब आप ऑयल डालेंगे और इसको फॉयल से अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि तमाम स्मोक चिकन के अंदर चली जाए। 2 मिनट के बाद आप कोयला और फॉयल को हटा दें। इसको मैं एक हॉट प्लेट पे सर्व करूंगी। हॉट प्लेट पे मैंने इस तरह से पहले प्याज डाल दिए हैं। एक मीडियम साइज प्याज को मैंने इस तरह से रिंग्स में काट लिया था
और इसके ऊपर मैं रखूँगी चिकन, मलाई बोटी जो अभी हमने बनाई थी, और इसके साथ सर्व करूँगी मैं बहुत ही सिंपल सैलेड, कुकम्बर, टोमेटोज और एक अदद प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सिंपल सैलेड है, बहुत ही मज़े का है। आप ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।